हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर रैंक 0 to 10 सर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड राज्य में निकली हुई कुछ भर्तियों के ऊपर, क्योंकि एक नई नोटिफिकेशन आई है अभी जो ये पब्लिश हुई है 13 अक्टूबर 2018 को। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको कि वो क्या है नोटिफिकेशन और कितनी पोस्ट वहाँ पर निकली हुई हैं और किस चीज़ के लिए वो नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उसी के ऊपर, देखते रहिए हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसियाँ हैं वो कारों में वाहन चालक की हैं। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य अंतर्गत कारों में वाहन चालक हैं तो यहाँ पर भर्तियाँ निकली हुई हैं, जो कि 84 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं। 84 पोस्ट यहाँ पर हैं, 84 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें क्राइटेरियाज हैं, एप्लीकेशन फ़ीस, इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो क्या हैं, तो इस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये है, और फॉर एससी एसटी एंड एक्स सर्विस मैन के लिए 200 रुपये है। पेमेंट मेथड आपका कोई ऑनलाइन रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, जैसे कि आपको जो स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई है वो है 15 अक्टूबर 2018, मतलब आप 15 तारीख से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 16 नवंबर 2018। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एज की दोस्तों। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 18 साल होगी और जो मैक्सिमम है वो 35 ईयर्स है। उसके साथ कुछ रिलैक्सेशन, मतलब कि कुछ छूट दी गई है एज पर, वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंत में दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहन चालक की जो भर्तियाँ उन पर इनका जो विवरण वहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि एचएमवी वाहन चालक के लिए जो है वो यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट हैं, मतलब 11 भर्ती हैं। और यहाँ पर जो एलएमवी वाहन चालक के लिए 73 पोस्ट है, मतलब 73 पोस्ट हैं। तो टोटल मिलाकर आए हो जाती हैं 84 वैकेंसीज़ हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप फॉर्म भरने से पहले ये पूर्णतः निश्चित कर लें कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम आयु, स्थानीय निवासी, कि आप सारी शर्तों को यहाँ पर पूरी करते हैं या नहीं, तभी आप ये फॉर्म भरें, अन्यथा नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका वेतन है उसकी। तो यहाँ पर जो वेतन दोनों ही एचएमवी और एचएमवी वाहन चालक साधारण कोटि और एलएमवी वाहन चालक साधारण कोटि, इन दोनों के लिए ही जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 5200 होगी और जो एंडिंग है वो है 20,200 रुपीज़, और जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपये होगा दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, मतलब अपने 10th पास की हो और साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक व्हीकल ड्राइवर की भर्ती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन, मतलब कि जो आपके आयु पर जो छूट है वो अनारक्षित, मतलब अनरिजर्व के लिए कोई छूट नहीं। 35 वर्ष आपको पता है 35 लास्ट आपकी एज है, तो उतनी ही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, मतलब पुरुष, इनके लिए 37, मतलब 2 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, मतलब 2 साल और ज़्यादा भी हो सकते हैं तो भी वो यह फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष एवं महिला, उनके लिए 40, मतलब यहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। झारखंड राज्य की स्थानीय निवासी महिला, अनारक्षित झारखंड के स्थानीय निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, इनके लिए 38 वर्ष, मतलब 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि जो भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विस मैन है उनको भी यहाँ पर 5 वर्ष की आयु की यहाँ पर छूट दी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं परीक्षा के स्वरूप की। तो यहाँ पर जो परीक्षा है वो 3 भागों में विभाजित की गई है दोस्तों। पहला आपका एक लिखित परीक्षा है, दूसरा आपका चिकित्सीय जांच परीक्षा है, मतलब मेडिकल टेस्ट, और तीसरी जो है वो वाहन चालक जांच परीक्षा होगी दोस्तों। ठीक है, 3 हिस्सों में आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि किसको कितने मार्क्स यहाँ पर लाने जरूरी है और कितने मार्क्स का यह
क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जो यातायात विनियमन की जानकारी वो 70 प्रश्न और वाहन की सामान्य मरम्मति के 30 प्रश्न, मतलब 100 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं दोस्तों। और अब मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो अनरिजर्व मतलब अनारक्षित के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 32% मार्क्स और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित एक के लिए 34% मार्क्स, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित दो के लिए 36.5% मार्क्स और झारखंड राज्य की स्थानीय महिलाओं के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।